उत्तराखंड में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगर हम जाएं तो उत्तराखंड में सिर्फ GMBN हमें मिले, लेकिन GMBN की भी बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टी है और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा लीडिंग ब्रांड GMBN रहा है। विशेषकर केदारनाथ यात्रा रूट पर अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं और होटल की तलाश में हैं, अच्छे होटल आप देखना चाहते हैं, एक अच्छे होटल सभी को तलाश रहती है कि हम अच्छे होटल में रुकें जिसमें अच्छी सुविधाएं हों, अच्छे रूम्स हों, अच्छा व्यू हो, होटल का अच्छा खाना हो, वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हों, तो एक ऐसे ही होटल का हम आपको आज पूरा टूर देने जा रहे हैं, वो है GMBN गुप्त काशी। जैसे ही आप केदारनाथ की तरफ आते हैं गुप्त काशी से, तो मार्केट जैसे एंड होता है तो ये आपको साइन बोर्ड नेशनल हाईवे पे लिखा हुआ मिलता है TRH गुप्त काशी, और यहीं से एक रास्ता जाता है ये रेलिंग से बगल से, मुश्किल से 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको होटल मिल जाएगा। ये GMBN गुप्त काशी की पार्किंग है और पार्किंग से जो नज़ारे दिखाई देते हैं माउंटेन्स के, रिवर के, स्नो कैप्स माउंटेन के, क्लाउड के, वो बड़े यूनिक हैं। अधिकतर टूरिस्ट यहाँ पे रूम से बाहर निकल के और यहाँ पे खड़े होकर व्यू एंजॉय करते हैं। नाइट का व्यू बहुत शानदार दिखाई देता है यहाँ से ठीक उखीमठ का।
सुपर डिलक्स रूम की जो बालकनी है वहाँ से बहुत सुंदर व्यू नज़र आता है आपको। ये बालकनी है, ठीक ये देखिए बालकनी है, और यहाँ से ठीक सामने मधुगंगा है, मधुमेश्वर से आती हुई ठीक सामने मधुगंगा, और उड़ते हुए बादल, और यहाँ बालकनी में बैठ के ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिमालय के बहुत पास में हूँ। ये सुपर डीलक्स रूम की विंडो है और विंडो से ठीक सामने उखीमठ का विहंगम दृश्य है, अद्भुत नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं, और बरसात है तो आपको देखिए कैसे उड़ते हुए बादल खिड़की से दिखाई देते हैं, और खिड़की से थोड़ा अगर मैं बाहर आऊँ तो ऐसा सीनिक व्यू है इस घाटी का, सामने नदी मंदाकिनी और ठीक गढ़वाल मंडल विकास निगम गुप्त काशी में ये हमारे पास चार कॉटेज हैं, और इस कॉटेज की एक विशेषता है ये अर्थक्वेक्स पे 8 पॉइंट भी टेस्टेड है। यहाँ से बहुत शानदार, ये मैं बालकनी में खड़ा हूँ इस समय, और बालकनी से ये मेरे ठीक पीछे ये देखिए मधुगंगा यानी मधुमेश्वर से एक नदी आती है जो आप बालकनी से देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल सामने आ रही है, इसी तरफ आ रही है, और ये यहाँ पे मंदाकिनी में मिल जाती है यहाँ पे संगम, और यह इसकी विंडो से अगर हम देखेंगे तो विंडो से मंदाकिनी नदी का विहंगम दृश्य और उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर भी यहाँ से दिखाई देता है। पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम प्रवीण गांधी, बॉम्बे से आए। प्रवीण जी, जीएम विन का स्टे की अनुभव कैसे हैं आपके? नहीं, हम तो बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से हमने जीएम विन की वहीं के ऑफिस से ही सब जीएम विन में ही किया है, हमारा इतने पड़ाव हुए सब जगह जीएम विन में रहे, और सब जगह बढ़िया फैसिलिटीज और पर्सनल अटेंशन मिलता है हमको, और बहुत प्यार मिलता है सब जगह, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे जो यहाँ पे मैनेजर है निगी जी, वो भी बहुत हेल्प कर रहा है, इतनी सब लोगों को तकलीफ है फिर भी सबको हेल्प करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, वी वुड प्रीफर कि भाई हम जहाँ यहाँ पे आए तो हम जीएम में ही रहे।
बड़ा लीडिंग ब्रांड जीएमवीएन रहा है। विशेषकर केदारनाथ यात्रा रूट पे अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं और होटल की तलाश में हैं, अच्छे होटल आप देखना चाहते हैं, एक अच्छे होटल सभी को तलाश रहती, हम अच्छे होटल में रुकें जिसमें अच्छी सुविधाएं हों, अच्छे रूम्स हों, अच्छा व्यू हो, होटल का अच्छा खाना हो, वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत सारी डेस्टिनेशन हों, तो एक ऐसे ही होटल का हम आपको आज पूरा टूर देने जा रहे हैं, वो है जीएमवीएन गुप्त काशी। गुप्त काशी से क्या क्या व्यूज हैं और कितनी कितनी डिस्टेंस रहती है, यहाँ से केदारनाथ कितना है? यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए आपको 30 किलोमीटर गौरीकुंड तक जाना पड़ता है और उसके बाद 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैक रूट का है। और जो डेस्टिनेशन है आसपास? और बहुत सारी डेस्टिनेशन है, यहाँ की जो डेस्टिनेशन है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्रैकिंग रूट, पंचकेदार के ट्रैक रूट का भी मुख्य पड़ाव ये है। पंचकेदार में आपका केदारनाथ आ गया, अगर हम केदारनाथ जाना चाहते हैं तो यहाँ से 30 किलोमीटर मैंने बताया गौरीकुंड है, उसके बाद 16 किलोमीटर पैदल है। उसके बाद दूसरा जो केदारनाथ आता है वो मध्य महेश्वर है, मध्य महेश्वर यहाँ से 45 किलोमीटर रांची तक गाड़ी जाती है और रांची से 14 किलोमीटर पैदल है। तीसरा जो केदार है वो है तुंगनाथ, तुंगनाथ यहाँ से 42 किलोमीटर चोपता तक गाड़ी जाती है और उसके बाद 4 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद नेक्स्ट जो केदार है, चौथा जो केदार है वो है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जाने के लिए यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप लोग मंडल जाएंगे और मंडल के बाद पैदल है, और पैदल की जो डिस्टेंस है ट्रैक रूट का वो है 25 किलोमीटर वन साइड, टोटल हो गया ये 52। और लास्ट जो पंच केदार है वो बद्रीनाथ रूट पे हेलंग पे, वहाँ तक गाड़ी जाती है। तो पंच केदार का ट्रैक भी है, उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक हैं, जो डे ट्रैक जिनको हम बोलते हैं। डे ट्रैक में जैसे आपका देवरिया ताल आ गया, आप जैसे टूरिस्ट आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए, नेक्स्ट डे आप देवरिया ताल जाइए और देवरिया ताल की खूबसूरती देख के आइए, दूसरे दिन वापस यहीं आ जाइए, तीसरे दिन आप यहाँ से तुंगनाथ जाइए, चोपता विजिट कीजिए, चोपता में बहुत सारी बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत बड़ा फेमस है चोपता, नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत शानदार है, और उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक आता है तुंगनाथ का 4 किलोमीटर का। तो ये छोटे छोटे ट्रैक हैं, कालीशिला का यहाँ से ट्रैक है, और तीसरा ट्रैक अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो देवरिया ताल का एक और भी ट्रैक है, लेकिन वो बहुत कम लोग उस पर जा पाते हैं, और वो मनसूना से लेकर के है, वो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, डेंस फॉरेस्ट के बीच में होता हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो है कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामी जाने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीणा जय शाह है और मैं फ्लोरिडा यूएसए से आ रही हूँ, और हम यही जीएमवीएन में ही रुके हैं, सब जगह पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है, खाना अच्छा है, अटेंशन अच्छा मिल रहा है, वेलकमिंग भी अच्छी मिल रही है। जीएमवीएन के इस होटल में हेलीकॉप्टर का ऑफलाइन बुकिंग काउंटर भी है, जिससे जो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए एक संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है हेली टिकट मिलने की। बुकिंग काउंटर नज़दीक होने के कारण उन्हें हेली की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट तुरंत मिलता रहता है, जिससे पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है हेली टिकट मिलने की।